चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर सिवान पहुंचे। प्रशांत किशोर जन सुजान यात्रा को लेकर सिवान पहुंचे, जहां शहर के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मैं बिहार में हूं और पूरे जिले के दौरा पर हूं, ग्रामीण इलाकों तक जाऊंगा, लोगों से बात करूंगा और लोगों की समस्या सुनूंगा। वो सिवान में अगले 4 दिन तक रहेंगे, जहाँ जिले के गाँव में 4 दिन तक लोगों से संवाद करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार से अभी भी मेरे अच्छे संबंध हैं। वहीं 2 दिन से भारी विवाद चल रहा है, क्योंकि मैंने शराबबंदी पर बोल दिया है। शराबबंदी मान लीजिए ठीक भी है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि घर घर शराब की होम डिलीवरी हो रही है। सरकार को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। यह अहंकार करने या घर में या गद्दी पर बैठने ये मान लेने से सब कुछ ठीक नहीं रहता। करीब 1.5 महीने में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कह दे कि शराबबंदी सफल है। ट्विटर पर मैंने एक पोस्ट डाला है, जिससे 85% लोगों ने शराबबंदी को फेल बताया है। तो सुनिए क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने। देखिए, जहाँ तक करीब होने का सवाल है, मेरे नीतीश जी से आज भी व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध हैं। करीब होने का मतलब क्या है? साथ में मिलकर 2015 में काम किया, राजनीतिक तौर पर महागठबंधन बनाया गया, उसमें जो मेरी भूमिका थी छोटी या बड़ी वो मैंने अदा की। मेरी जो समझ थी उसके हिसाब से 7 निश्चय को बनाने में, उसको क्रियान्वित करने में उस समय जो मेरा योगदान हो सकता था वो किया। अब अगर वो ज़मीन पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है तो सिर्फ मेरे संबंध पहले रहे हैं इसलिए मैं बोलूँ नहीं, ये कैसे हो सकता है। दूसरा, आपने कहा जीरो टॉलरेंस की बात, तो बाकी बात छोड़ दीजिए। 2 दिन से भारी विवाद चल रहा है क्योंकि मैंने शराबबंदी पर बात कही है। अब आप लोग सब सज्जन यहाँ सिवान में बैठे हैं, आप बता दीजिए कि शराबबंदी कितनी प्रभावी तरीके से लागू है। मैं इस बहस में नहीं पड़ता हूँ कि शराबबंदी ठीक है कि गलत है, एक बार तो मान भी लीजिए कि ठीक है तो भी क्या वो लागू है? घर घर में लोग बता रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है, तो सरकार को उस बात का संज्ञान लेना चाहिए। ये अहंकार करने से या घर में बैठ के ये अपने गद्दी पर बैठ के मान लेने से कि सब कुछ ठीक है, वो तो बात हो नहीं सकती है। कोई आदमी मुझे पिछले 1.5 महीने में नहीं मिला जो ये बता रहा है कि शराबबंदी सक्सेसफुल है। मैंने ट्विटर पे एक छोटा सा पोल डाला है, आप जाकर देखिए, 40,000 लोगों ने उसमें वोट किया है। कोई मैनिपुलेट तो कर नहीं सकता है ट्विटर का पोल। 40,000 लोगों में 85% लोग बता रहे हैं कि साहब पूरी तरीके से फेल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग कह रहे हैं। सर, नशे को लेकर जैसे तब बचाओ क्या, क्या उतने बिहार को बचा पाएंगे आप? मैं देखिए, बात नशे की हो या शिक्षा की, स्वास्थ्य की हो या रोजगार की, मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई एक व्यक्ति इसको सुधार नहीं सकता है। प्रशांत किशोर भी नहीं, कोई नहीं सुधार सकता है। लोगों के सामूहिक प्रयास से ही ये सुधरेगा। एक ब्लूप्रिंट, एक खाका बिहार को बदलने का और बिहार के विभिन्न क्षेत्रों को बदलने का डालना पड़ेगा। अगले साल जब पदयात्रा खत्म करेंगे तो बिहार के विकास से जुड़े 15 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आर्थिक विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, जितने भी 15 महत्वपूर्ण पहलू हैं, उस पर एक 10 साल का खाका बनाकर पब्लिक डोमेन में डालेंगे। सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि शिक्षा आकर सुधार देंगे, ये भी बताएंगे कि कैसे सुधारेंगे।